In this lecture, we will discuss the statistical fluctuation and statistical fluctuation variation with n. For the general, we have n particles which are distributed into two compartments, and for a particular macrostate R, nr, probability distribution will be this. If we calculate probability distribution, maximum then maximum probability for will be if for microstate R is equal to n by 2. तो इस distribution के लिए probability क्या होगी microstate के लिए maximum होगी. तो maximum की value क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हम रखें तो उसके लिए probability क्या हो जाएगी, R की वैल्यू n बाई टू रखेंगे, ये भी n बाई टू हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी. अब हमने डिस्कस की फ्लक्चुएशंस को डिस्कस करना है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. लेट अस एक्स इज अ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. तो हमने एक मैक्रोस्टेट ले ली n बाई टू प्लस एक्स कोमा एन बाई टू माइनस एक्स विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और दैट डेविएशन इज एक्स और एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एन. तो माइक्रोस्टेट तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन बाई टू प्लस एक्स कोमा एन बाई टू माइनस एक्स, उसको हमने पी एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया और ये वैल्यू होगी. इसको एन बाई टू फैक्टोरियल से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीएम की वैल्यू को. पीएम क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. यहाँ क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी एम इंटू एन बाई टू फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई एन बाई टू प्लस एक्स फैक्टोरियल इंटू एन बाई टू माइनस एक्स फैक्टोरियल. दोनों साइड हमने लॉग ले लिया. एल एन पी एक्स इज इक्वल टू एल एन पी एम, ये हो जाएगा जब लॉग लेंगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, प्लस टू एल एन एन बाई टू फैक्टोरियल, ये जो डिवीजन में है ये माइनस में चला जाएगा, माइनस एल एन एन बाई टू प्लस एक्स फैक्टोरियल माइनस एल एन एन बाई टू माइनस एक्स फैक्टोरियल. तो यहाँ पे स्टिरलिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल को वो करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए. स्टिरलिंग फॉर्मूला है एल एन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन. इस फॉर्मूले को इन दोनों स्टेटमेंट पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी. ये दोनों टर्म हमने यहाँ से उठा ली, इसको एन बाई टू को कॉमन ले लिया, एन बाई टू वन प्लस टू एक्स बाई एन, और इस पर टेलर थ्योरम अप्लाई कर दी. इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एल एन इसको एल, ये एन बाई टू एक तरह से एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स डॉट वाई प्रोडक्ट रूल लगा दिया. एल एन क्या हो जाएगा, एल एन एन बाई टू प्लस एल एन वन प्लस टू एक्स बाई, अगर एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, दोनों पे सेम. और यहाँ पे टेलर थ्योरम लगा दी, टेलर थ्योरम एल एन वन प्लस एक्स के लिए होगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री सो ऑन, और अगर माइनस है तो उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री.
जब यहाँ पर हम टेलर थ्योरम अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में क्या है, एन एन इज वेरी वेरी लार्ज, तो जब हम इसका क्यूब लेंगे या स्क्वेयर लेंगे, क्यूब या उसकी फोर्थ पावर लेंगे, तो एन वन बाई एन क्यूब वन बाई एन की पावर फोर, तो वो और भी स्मॉल हो जाएंगे। तो हमने हायर टर्म्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, हायर टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यूज है टेलर थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ रखी और इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा, एल एन पी एक्स इज इक्वल टू एल एन पी एम इज इक्वल टू एल एन पी एम माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन। एल एन पी एम जो लो की वैल्यू टर्म्स है उन्होंने एक साइड कर लिया, जो बिना लो के उनको एक साइड कर लिया, तो एल एन पी एक्स बाई पी एम हो गया, दोनों साइड एंटी लॉग लिया, एक्स ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन। अब टू से ही मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे टू से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई कर दिया और एन से ही डिवाइड सिंप्लीफाई किया, तो क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस एन बाई टू इंटू में टू एक्स बाई एन का स्क्वायर। इसको हमने ये क्या हो गया फ्रैक्शन, ये एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एक्स क्या हो गया जो मोस्ट प्रोबेबल से डेविएशन लिया था मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो एक्स टू एक्स बाई एन क्या हो गया एफ पी एक्स बाई पी एम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एन माइनस एन एफ स्क्वेयर बाई टू। एफ इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये हमारी डेरिवेशन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से जो डेविएशन है वो कितना होगा, तो किन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, दूसरा फ्रैक्शनल वैल्यू पर डिपेंड करे। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ले लिया हमने एफ टू केस को डिस्कस करने के लिए कि 0.1% परसेंटेज के टर्म में, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.001 10 टू द पावर 3, यहाँ पे इस वैल्यू को रखा तो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगी। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन के लिए एन की जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो पी एक्स बाई पी एम की वैल्यू क्या है ये। फॉर ए पर्टिकुलर डेविएशन 0.1% ऑफ डेविएशन एज द एन इज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। द ग्राफ बिटवीन एफ एंड तो यहाँ से पी एक्स ये पी एम की वैल्यू होगी। द ग्राफ इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एज द एन इंक्रीजेस द ग्राफ गेट नैरो। ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ली है एन वन एन टू एन थ्री, एक तरह से ये कह लो ये एन वन है ये एन टू है और ये एन थ्री, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये एन थ्री है जो ज़्यादा वाली वैल्यू है, ये एन वन है ये एन टू और ये एन थ्री जो कम वाली वैल्यू है। जब एन थ्री है तो जो वेरिएशन है वो ब्रॉड है फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल, जब एन टू है तो वो और नैरो हो गया, और जब एन वन है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे बढ़ रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो होता जा रहा है। इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जो ये डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे वैल्यू एन की हाई होती जा रही है तो जो डेविएशन है ग्राफ से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो प्रोबेब डेविएशन है फ्लक्चुएशन है वो कम होती जा रही है, कि बिल्कुल पी एक्स बाई पी एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल है फॉर ऑर्डर ऑफ 10^9 और 10^12।
दिस इज वेरी वेरी नियर टू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. इन जनरल वी से दैट इट्स द मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम एज द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज हायर देन जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है सिस्टम की. इसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो अब जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके फर्दर एप्लीकेशन या रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं.